हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू द तंजेक्स डिजाइनिंग स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल को उद्देश्य टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट के रिगार्डिंग आपको एक नॉलेज देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में आप कुछ आगे बढ़ पाए, अच्छी चीज सीख पाए, अपने आप को इंप्रूव कर पाए। सो आज का टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो की कॉपी वर्क रिगार्डिंग। बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है डिजिटल प्रिंट के डिजाइनिंग का, तो वहाँ पे कॉपी वर्क बहुत ज्यादा चलते हैं। तो कॉपी वर्क का क्या फंडामेंटल्स रहते हैं, उसका बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है हमारा इस तंजेक्स के चैनल में। डेफिनेटली आप उसको जरूर गो थ्रू करके देखिएगा, ताकि कॉपी वर्क रिलेटेड आपको नॉलेज मिले। तो आज कॉपी वर्क के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक कुछ चीजें दिखाऊंगा, स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें हमें ड्रॉ करके बनाना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसा होता है हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाना पड़ता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कॉपी वर्क करते हैं, बट उनका शायद प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिलता है कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया है। जो डिजाइनर होते हैं ऑलरेडी, जिन्हें जॉब कर रहे हैं, उनको भी कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई होप सो आज के चैनल, आज के जो ट्यूटोरियल्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं, उसमें काफी क्लियरिटी मिलेगा एंड आप कॉपी वर्क के रिगार्डिंग कुछ चीज नया सीख के जाएंगे। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। सो एज आई से बिफोर कि ये पर्टिकुलर चैनल में हम बहुत सारे ट्यूटोरियल शेयर करते रहते हैं डिजिटल प्रिंट के रिगार्डिंग। अगर इस पर्टिकुलर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके का जो जो नया ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं उसका रेगुलर उसमें देख पाए, सीख पाए, समझ पाए। एंड इस तरीके का ट्यूटोरियल्स को शेयर करने का उद्देश्य ये है गाइस कि आप एक्चुअल में डिजाइनिंग फील्ड में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को जो अगर मैंने फेस किया या तो जो हमारा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम आपको ना हो। एंड जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा हमारा एक कोर्स करिकुलम है, जिस कोर्स करिकुलम में स्टूडेंट के साथ हम बहुत सारे ट्यूटोरियल शेयर करते हैं, डिटेल ट्यूटोरियल, ताकि जो कि यूट्यूब चैनल में जो नहीं है, एक्चुअली हमारा एक पेड कोर्सेज का अलग प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर आप गो थ्रू करके देखिएगा। तो उसमें हम ट्यूटोरियल्स में अलग अलग पर्टिकुलर प्रोसेस बताते हैं कोर्स करिकुलम में, पेड कोर्सेज डेफिनेटली, एंड उनके साथ हम लाइव क्लासेस करते हैं, जो लाइव क्लासेस में उनका डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो क्लासेस है वो एक लाइव क्लासेस का एक पार्ट है। तो एक स्टूडेंट था, उनको डाउट्स आया हुआ था कि सर मैंने कॉपी वर्क किया बट मुझे डाउट्स हो रहा है कि ये सही है कि नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग उनको मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ प्रोसेस बताया हुआ था, कुछ एग्जांपल दिखा हुआ था, वही चीज आप देखिए, सीखिए, समझिए। होप सो इस पर्टिकुलर सेशन से डेफिनेटली आप कुछ सीखेंगे। अगर आप कुछ सीख रहे तो लाइक जरूर करते जाएगा, एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स जो जो फ्रेंड्स आपके सर्कल में जुड़े हुए जिनको शायद इस तरीके का ट्यूटोरियल जरूरत हो, उनको शेयर जरूर करिएगा, सो दैट मे बी आपके जैसे हेल्प हो रहे हैं उनको भी शायद हेल्प हो जाए। बिकॉज इस पूरा कम्युनिटी का बनाने का उद्देश्य है कि एक दूसरे को हम हेल्प कर पाए एंड ग्रो कर पाए। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। तो कॉपी वर्क का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो कि न्यूली हमारे साथ जुड़े हुए स्नेहाल, तो उनका कुछ क्वेश्चन आया था, ये जो कॉपी मैंने बनाया ओके है कि नहीं है, वेरी परफेक्ट, वेरी ओके, कोई इशू नहीं है। इसमें थोड़ा सा फ्लावर का थोड़ा लुक अलग दिख रहा है, इसमें फ्लावर का लुक अलग दिख रहा है, बट दैट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम फ्लावर ढूंढना या सेम सेम फ्लावर नहीं मिलता, इसलिए हम सिमिलर फ्लावर डालते हैं। बट मोस्टली आप कोशिश ये करिएगा कि आपका कॉपी वर्क में सेम डिजाइन आए, सेम मोटिव आप ला पाए, ताकि आपका डिजाइनिंग में रियलिस्टिक लुक आए, एकदम जैसे दिखे वैसे ही लुक आए। बट हाँ, बट मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं ना, वो जब कॉपी वर्क करने के लिए हमें देते तो उनको एक्चुअली जितना हम नियरेस्ट दे पाएंगे उतना उनको अप्रूव होने का चांसेस रहते हैं। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि आप कॉपी वर्क जब कर रहे हैं सिमिलर, एकदम सिमिलर टाइप का, मतलब जरूरत पड़े तो वही फ्लावर कट करके सर्च करिए, ताकि सेम फ्लावर आप ले पाए। जो पर्टिकुलर पैटर्न्स का लुक है या तो जो प्लेसमेंट्स है, लाइक जैसे कुछ आपको ज्योमेट्रिकल मोटिव आपको यहाँ पे दिखे, वो तो आप डेफिनेटली ड्रॉ वगैरह करके बना सकते हैं, बट जो फ्लावर से जो बॉर्डर से वो आप जैसे ये बॉर्डर के अकॉर्डिंग सिमिलर सिमिलर लिया, दैट्स ओके चलेगा। ये वाला पोर्शन आपने बनाया, दैट्स ओके, ये भी चलेगा। बाकी का पोर्शन आपने सेट किया वो भी चलेगा, बट फ्लावर्स में थोड़ा लुक अलग दिख रहा है, तो मे बी क्लाइंट आपको बोल सकते हैं कि ये फ्लावर का लुक अच्छा नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा सा सेम बनाइए। तो इसलिए कई बार सेम हमें बनाना पड़ता है, बट ये सिमिलर भी चलते हैं। अगर हमें ये फ्लावर नहीं मिले, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो उस टाइम हमें सिमिलर लेना पड़ता है, बट अदरवाइज हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि सेम फ्लावर ढूंढ के उसका अकॉर्डिंग देने का। इस दुपट्टे में भी आपने वही कोशिश किया है, इसमें जो भी फ्लावर्स लिया गया जो इसका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया, काफी ठीक ठाक है, बट और बेटर हो सकता है। बिकॉज जैसा आपको ने बताया, क्लाइंट जब भी हमें कोई फोटो शेयर करते हैं ना, तो उनका रिक्वायरमेंट या तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि हम उनको एग्जैक्टली सेम डिजाइन बनाए करें, इवन उसका टेक्सचर, इवन उसका जो फ्लावर्स का लुक है। एंड कई बार हमें सेम फ्लावर नहीं मिलता, तो सिमिलर टाइप का फ्लावर ढूंढ के आप जैसे यहाँ पे कलर मैचिंग आपने सेम किया, कलर हम देने की कोशिश करते हैं, बट हाँ उस टाइम भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो फ्लावर का साइज वगैरह है वो भी थोड़ा सेम रहे। तो ये छोटा 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 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे कि आप पोर्शन थोड़ा सा स्ट्राइप दिया हुआ है, जिगजैग स्ट्राइप दिया, आपने यहाँ पे नहीं दिया है, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सही नहीं हुआ, बट जस्ट आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जब सेम बनाना होता है ना, एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश करते हैं,
उसमें जैसा इसका फ्लावर दिखे, जैसे इसका मोटिव दिखे, उसके अकॉर्डिंग मोटिव लेके हम बनाए तो हमारा अप्रूव होने का चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं जब हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं स्पेसिफिकली। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से सिमिलर टाइप का बना के देंगे तो भी एक बार चल सकता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने बनाया हुआ था, लेट मी एक फाइल, एक दो फाइल जस्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी रिसेंटली शाम को मैंने बनाया हुआ एक क्लाइंट का इस तरीके से कुछ फोटो आया हुआ था, ड्रेस का फोटो था सलवार सूट के रिगार्डिंग। तो उसका जैसे उसका लुक दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मोटिव को फाइंड आउट किया। एंड मोस्टली क्या होता है इस टाइप का डिजाइनिंग में कि हमें सिमिलर देना पड़ता है। अब जैसे कि इस टाइप का मोटिव में हमें ये वाला मोटिव नहीं मिल रहा था, अब ये जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो हमें इसका मोटिव मिलने का चांसेस कम ही होता है। तो उस टाइम हमने क्या किया, सिमिलर टाइप का डाला, बट कोशिश किया कि उसके जैसा लुक दिखे। जैसे उसका लुक दिखे उसके अकॉर्डिंग मैंने कोशिश किया, इसके अकॉर्डिंग जो इसका मेन मोटिव है वो हमने यहाँ पे देने कुछ का, जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे देने कुछ का सिमिलर टाइप का। तो इस तरीके से हमें जितना हो सके उतना हम नियरेस्ट बना के देते हैं ताकि उसका लुक अच्छा लगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उसका कलर कॉम्बिनेशन हमें सेम देना पड़ता है ताकि कलर हमें सिमिलर मिले तो इजिली हम उसको दे पाए। जैसे ये वाला डिजाइन आप देखिए, इसमें भी रिसेंटली हमने बनाया हुआ, इसमें भी सेम उसका जो पैटर्न है, जो मोटिव हमें दिख रहा था उस पर्टिकुलर मोटिव को मैंने लिया। ये वाला पर्टिकुलर मोटिव ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रॉ करके बनाना पड़ा है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन हमने ड्रॉ किया, कुछ पोर्शन यहाँ से हमने उठा के थोड़ा सा ट्रेसिंग वगैरह करके दे दिया था, कुछ पोर्शन हमें ड्रॉ करना पड़ा ताकि इसका क्वालिटी मेंटेन हो। तो इस तरीके से मोटिव में भी हमें ड्रॉ करना या तो उसको सिमिलर लेके उसको बनाना, तो हमें जितना हो सके उतना सिमिलर लेके बनाना पड़ता है, बिकॉज तभी एक्चुअल में कस्टमर वो अप्रूव करते हैं। अदरवाइज उनका उनका ऐसा कहना होता है सेम नहीं दिख रहा है, सिमिलर लुक नहीं आएगा, तो कस्टमर का अप्रूव नहीं होगा, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए ये छोटा छोटा चीज में हमें जितना हो सके उतना सिमिलर देने का कोशिश करना पड़ता है ताकि उसका लुक आए। जैसे मैं आपको और एक दो दिखाता हूँ ताकि जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो, मैं इसलिए आपको दो दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। जैसे ये वाला दिख रही है, अब ये वाला साड़ी भी आया हुआ था कस्टमर के लिए कि ये सेम हमें बना के देना, तो उसमें भी हमने कोशिश किया क्या सिंपल, जैसे ये बर्ड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने बर्ड लिया, इसमें यहाँ पे कुछ पत्तियां वगैरह फ्लावर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर पत्ती लिया, ये जो फ्लावर का बंच आपको दिख रहा है ये फ्लावर का बंच ये है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ फ्लावर का बंच दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे फ्लावर का बंच रखा। ये बर्ड्स को मुझे लगा एक जगह पे अच्छा नहीं लगा, दूसरी जगह पे दिया। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा उसका सिमिलर ढूंढ के हमें देना पड़ता है ताकि उसके जैसा हम लुक दे पाए। इसमें हमें जितना समझ में आ रहा था मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्लावर का बंच है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्लावर का बंच देखे, ये फ्लावर का बंच देखे, जिससे जैसे कट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कट बनाया, फ्लावर का प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग फ्लावर का प्लेसमेंट बनाया। जितना हमें समझ में आया थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बड़े डिजाइनिंग में, बट उसका लुक अच्छा लगे तो उसका डिजाइनिंग का क्रिएटिविटी और पूरा प्लेसमेंट के साथ पूरा डिजाइनिंग का लुक अच्छा लगता है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें हमें ध्यान देना पड़ता है ताकि डिजाइनिंग का लुक अच्छा लगे। कुछ आप और आपको दिखा दो, जैसे लेट सपोज ये वाला देखिए, सिंपल क्या हुआ इस टाइप का जो कि सलवार सूट फोटो आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेम उसका मोटिव फाइंड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने बॉर्डर बनाया, दुपट्टा बना एंड सेट करके इसको दिया हुआ। तो बहुत सारा ऐसे अलग अलग टाइप का डिजाइन से हमारे पास कॉपी वर्क के लिए आते हैं, मतलब कोशिश इसलिए यही करना पड़ता है कि जितना होता है उतना हम सेम बना के दिए, उसमें हमें डाउनलोड करके लेना हो, ड्रॉ करके लेना हो, डजंट मैटर। वो कस्टमर उनको मैटर नहीं करते कि हम इसको ड्रॉ करके बना रहे हैं, डाउनलोड करके बना रहे हैं, वो मैटर नहीं करते। जैसे कुछ डिजाइन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला डिजाइन देखिए, ये डिजाइन हमने ड्रॉ करके बनाया था, इसका डाउनलोड करके ऑप्शन नहीं मिला था, हमने इसको ड्रॉ करके जैसा मोटिव उसका दिख रहा है ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइप वगैरह देखे बनाया हुआ था। इवन इसका दुपट्टा भी हमने उसी के रिलेटेड सेट किया हुआ था। इवन ये वाला डिजाइन देखिए, इसको हमें पूरा ड्रॉइंग करना एंड साथ साथ में पिक एंड प्रोसेस, ड्रॉइंग पिक एंड प्रोसेस दोनों का प्रोसेस को मिला के बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन से आते हैं जो कि हमें रेगुलर में कस्टमर के लिए बना के देना पड़ता है। अब उस टाइम क्या टेक्निक हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम डिजाइन का बनाएंगे, वो टोटली डिपेंड करते हैं डिजाइनर के ऊपर। वो किस तरीके से डिजाइन को देख रहा है, कैसे उसको बनाने के लिए सोच रहा है, चाहे वो मोटिव को डाउनलोड करके बनाया, डाउनलोड करके सिमिलर टाइप का कोई मोटिव लेके बनाया। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एंड ये सब चीजें प्रैक्टिकल हम करते हैं, वही चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए एंड आप कोई भ्रम में ना रहे कि ऐसा तो मैं कर लूंगा या तो ऐसे होता होगा, तो आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करिएगा। देखिए ये फाइल में जितना हमें चीजों को समझ में आ रहा है, जितना हमें मोटिव को दिख रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सिमिलर टाइप का जो फ्लावर का मोटिव है, जैसे ये वाला चीजों में तो हमें फ्लावर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके का डिजाइनिंग में, जितना हमें फ्लावर का लुक दिखे उसके अकॉर्डिंग फ्लावर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ मोटिव कुछ चीजें हमें ड्रॉ कर लेते हैं, या तो कुछ चीजें हमें डाउनलोड करने के बाद उसको हमें थोड़ा सा फिल्टर इफेक्ट मारना पड़ता है, थोड़ा शार्पन वगैरह करते हैं ताकि उसको डिटेलिंग आए। एंड देन जैसे इसका फ्लावर का प्लेसमेंट हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उस तरीके का प्लेसमेंट करना पड़े, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा येलो फ्लावर का बंच ऊपर निकला हुआ था, हमने यहाँ पे येलो फ्लावर का बंच ऊपर ले लिए, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर हमें दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर लिया, जैसे यहाँ पे थोड़ा
येलो फ्लावर दिखे तो यहाँ पे हमने येलो फ्लावर लिया, तो इस तरीके से हम प्लेसमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजाइन का लुक भी सेम दिखेगा एंड उसके जैसा प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ऑल्सो उसके जैसा हमें मोटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे इसमें देखिए ये जो फ्लावर दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मोटिव फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे डाला ताकि वो सिमिलर टाइप का फ्लावर का लुक उसमें आए। एंड जो कि ब्लर में दिख रहा है तो कस्टमर को भी उतना समझ देगा, बट हमें एज अ डिजाइनर हमें अच्छा लगना चाहिए कि डिजाइनिंग का लुक प्रिंट होने के बाद अच्छा दिखेगा। तो ये सारा चीजें आपको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया लगाना पड़ता है कि कैसे मोटिव है, कहाँ से डाउनलोड करना है, या तो क्या इस तरीके से ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे उसका लुक अच्छा रहेगा। तो यही चीज को हमें समझना पड़ता है। जितना आप चीजों को समझेंगे उतना आपको एक्चुअल में नॉलेज बढ़ेगा एंड आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि चीजों को करते कैसे। ये वाला फाइल सलवार सूट का रिगार्डिंग आया हुआ था, तो उस तरीके से मोटिव फाइंड आउट करके जैसा बॉर्डर है उसके जैसा बॉर्डर, उसके जैसा मोटिव, उसके जैसा टेक्सचर, जितना हो सके सिमिलर हमें जितना समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग बना के हम कस्टमर को देते हैं, देन वहां से अप्रूव होता है, देन उसके बाद वो पर्टिकुलर डिजाइन बनते हैं। एंड ये सिर्फ सलवार सूट दुपट्टे में नहीं, ईच एंड एवरी टाइप का कंसेप्ट में काम आते हैं, सलवार सूट दुपट्टा ड्रेस। अब जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर देखे इसमें भी हमें पूरा चीज को ड्रॉ करके बनाना पड़ता है, इसको हमें मोटिव को डाउनलोड करके मिलेगा नहीं, उसको हमें पूरा ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। ड्रॉ करके हमने जैसे उसका सिमिलर मोटिव मिला तो उसके अकॉर्डिंग उसको बना के दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग का हमारे पास रिक्वायरमेंट आते हैं, कॉपी वर्क हो या तो क्रिएशन करना हो तो उस टाइम हमें कॉपी वर्क में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, किसी में पिक एंड द प्रोसेस, किसी में ड्रॉइंग कटिंग प्रोसेस, तो वही प्रोसेस को फॉलो करके हम डिजाइनर बनाते हैं एंड कस्टमर को देते हैं। वहाँ से कलर मैचिंग आता है, कलर मैचिंग करना पड़ता है, तो जो आपको डिजाइनिंग फील्ड में करना पड़ता है वो सारा चीज हमने कोर्स करिकुलम में शेयर किया। सिर्फ आपको क्या करना है, ट्यूटोरियल को देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। अब डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट आएगा ना, आपका डिजाइनिंग में ऑटोमेटिकली एक अलग लुक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब ये चीज मैं आपको डेफिनेटली एक दिन में नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने जब डिजाइनिंग फील्ड में शुरुआत किया था आज से छह आठ साल पहले का बात, जब मैं इस तरीके से कॉपी वर्क करता था उस टाइम डेफिनेटली ये सारा काम मैं उस टाइम नहीं कर पाता था, बिकॉज उस टाइम बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कैसे करूंगा, क्योंकि कोई भी डिजाइन देखने के बाद ही एक घबराहट होता था कैसे करूंगा, किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे शुरुआत करने है, कौन सा मोटिव कैसे मिलेगा, सारा चीज एक साथ सोचने जाते थे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था यार, होता नहीं है डिजाइनिंग। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, कॉपी वर्क में भी यही चीज आपको बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप को करिएगा ताकि ऑटोमेटिकली आपका डिजाइनिंग का लुक अच्छा लगे। बिकॉज कॉपी वर्क हो या तो कोई भी डिजाइन को क्रिएशन करना हो, जब इस तरीके का डिजाइन बनाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोचते भी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते भी है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा कि वो चीज पर्टिकुलर जो कॉपी वर्क में हम डिजाइन को बना रहे हैं उस डिजाइनिंग में से आइडेंटिफाई करना होता है कि उस पर्टिकुलर में मोटिव कैसा है, तो हम उसके जैसा सिमिलर जितना हो सके सिमिलर मोटिव फाइंड आउट करें। बिकॉज जितना आप सिमिलर दे पाएंगे, जितना उसका नियरेस्ट बनेगा उतना अप्रूव होने का चांसेस होता है। आई नो उसमें कई बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एंड ये भी हमें डिपेंड करता है, कस्टमर टू कस्टमर वैरी करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले जैसे साड़ी वगैरह कुछ डिजाइनिंग का एग्जाम्पल दिखा रहा था, वो कस्टमर का क्वांटिटी कम रहता है, इसलिए थोड़ा हम जितना जल्दी हो सके बना के देते हैं, जितना सिमिलर हो सके बट एग्जैक्ट ना हो तो भी एक बार चलते हैं उसके जैसा बना के दे देते हैं, जिसमें हो सकते एक डिजाइन बनने के लिए एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, ढाई घंटा लगे, उससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे पाते बिकॉज हमारे पास टाइम भी एक लिमिटेड होता है, बहुत सारा काम रहते हैं। दूसरे जगह पे जैसे कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट अच्छा है, उनका शायद अच्छा प्रोग्राम आ सकते हैं एंड वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके डिजाइनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हैं। हो सकते उस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 3 घंटा दिया या तो 4 घंटा दिए एक ही डिजाइन बनाने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर डिजाइनिंग का लुक एकदम अच्छा लगे, जिसमें उसका क्वालिटी भी मेंटेन हो, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, जितना हो सके उसका नियरेस्ट फ्लावर, नियरेस्ट मोटिव हम इंटरनेट से डाउनलोड करके या तो उसको बना के हम दे पाए। तो यही चीज हमें करना पड़ता है, डिपेंड ऑन कस्टमर, बट अल्टीमेटली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए हमें कैसे मोटिव को फाइंड आउट करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से कलर चेंज करना है, किस तरीके से उसके साथ प्लेसमेंट करना है। एंड ये एक बार आपको समझ में आएगा तो आप इजिली कोई भी कॉपी वर्क का डिजाइन बना सकते हैं, बट यस आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करते करते गलतियां होते होते आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि अभी ऐसे करेंगे तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा। बिकॉज मैं अपने आप को देख के बता सकता हूँ, आज से 5 साल पहले मैं जैसे डिजाइन बनाता था उससे काफी बेटर हुआ मेरा। तो डेफिनेटली आपका भी यही चीज होगा कि जैसे आज आप बना रहे हैं, आप अगर एक्सपीरियंस हो गए, आपको अगर नॉलेज बढ़ेगा तो आपका काम का स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसा मोटिव को किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से ढूंढना है, एंड ऑल्सो आपका डिजाइनिंग में क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, तो आपको चीजें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है एंड सही प्रोसेस को समझना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन बनाने का शुरुआत करना है।
सो जैसे आपको बताया था कि दुपट्टा का डिजाइन हो या तो कोई भी इस टाइप का ड्रेस कर देना हो जो कि हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, चाहे दुपट्टा हो या तो सलवार सूट हो या तो साड़ी का डिजाइन हो, हमें मोटिव को फाइंड आउट करना होता है, मोटिव के अकॉर्डिंग हमें प्लेसमेंट्स एंड साथ साथ में उसका कोऑर्डिनेट जो कलर वगैरह हमें दिख रहा है वो कलर हमें सेट करना होता है। तो यहाँ तक आपको जो बताया मैं आपको जो समझ में आया होगा, एक बार आप चैट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको मैंने कवर कर पाया, लाइक जो जो आपने डिजाइन यहाँ पे शेयर किया था तो उसके रिलेटेड डिजाइन तो आपने काफी अच्छा बनाने की कोशिश किया है बट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, इसलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाया ताकि उस एग्जाम्पल से आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। एंड ये सारा चीज जैसा आपको बताया कॉपी वर्क में सारा चीज मैंने बताया हुआ है, जो हमारा मेन कॉपी वर्क का कोर्स करिकुलम मैंने आपको शेयर किया हुआ है कॉपी प्रिंट डिजाइनिंग का, जैसे यहाँ पे आपको पूरा कोर्स करिकुलम का प्रॉपर आइडिया मिलेगा, फोटोज के साथ कैसे कॉपी करना है, स्कैन के साथ कैसे कॉपी करना है, एंड कुछ मैंने आपको यहाँ पे अपना पर्टिकुलर फाइल को मैंने शेयर किया था जो कि मैंने डिजाइनिंग के लिए यूज करता, वो सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे फाइल भी शेयर किया हुआ है, तो फाइल भी आप देखिएगा ताकि आपको आइडिया मिले, फोटो कॉपी के अकॉर्डिंग फोटो से कैसे बनाना है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ टास्क आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारा चीज आपको जब कंप्लीट करेंगे चीजों को देखेंगे सीखेंगे समझेंगे अपना कोर्स करिकुलम में, ये सारा चीज मैंने कवर किया हुआ है। लेट मी शेयर एक बार आपको मैं दिखाई देता हूँ ताकि एक बार आपको फिर से आइडिया भी लग जाए, जस्ट मैं आपको ये सब इसलिए बताता हूँ गाइस ईच एंड एवरी क्लासेस में ताकि आपको रिमाइंड में रहे एंड आपको पता चले कि कौन सी चीज देखना है, कहाँ से देखना है, किस तरीके से करना है। जैसे आप यहाँ पे डीपीडीएम एक्सपर्ट क्लास में जाएंगे, डिसिप्लिन रास्ते में तीन स्टेज में डिवाइड है, पहले 30-day चैलेंज, फिर 60-day चैलेंज, फिर 90-day चैलेंज। तो 30-day 60-day चैलेंज में आपको क्रिएशन का मोटिव क्रिएशन का मेन डिजाइनिंग का मेन फंडामेंटल्स प्रोसेस को समझने के लिए बताया हुआ है, एंड 90-day चैलेंज में आपको कॉपी वर्क एक्सपर्ट लेवल का एडवांस लेवल का कलर मैचिंग वो सब चीजें बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको कॉपी वर्क प्रिंट का पूरा क्लासेस मिलेगा, कॉपी प्रिंट का पूरा क्लासेस में आपको यहाँ पे टोटल 99 ट्यूटोरियल्स आप समझ सकते हैं कितना सारा कंटेंट आपको शेयर किया हुआ है। तो कॉपी प्रिंट में आपको स्कैन कॉपी का अलग ट्यूटोरियल्स मिलेगा, फोटो कॉपी का अलग ट्यूटोरियल्स मिलेगा, फोटो कॉपी में 63 ट्यूटोरियल्स है, तो पूरा आपको अलग अलग टाइप का ट्यूटोरियल्स का एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिलेगा, एंड डे वन में अलग चीज सीखना है, डे टू में अलग चीज सीखना है, इसलिए डे वन डे टू में डिवाइड किया ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कुछ इसको सीखो प्रैक्टिस करो, देन दूसरा डे में जाओ दूसरा चीजों का प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एंड कॉपी प्रिंट का जो लाइव क्लासेस होते हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देता हूँ ताकि वो चीज आप समझ पाए, एंड हमारा कोर्स करके जो आपको मैंने बताया हुआ उसको आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारा नया टेक्निक समझ में आएगा कि किस तरीके से कॉपी करेंगे तो उसका लुक अच्छा लगेगा, किस तरीके से कॉपी करेंगे तो फास्ट में बनता है, तो सारा चीज को देखेंगे तो आपको और भी आइडिया मिलेगा कि कैसे कॉपी वर्क और बेटर तरीके से आप कर पाएंगे। एंड इवन सिर्फ कॉपी वर्क का बात नहीं है, डिजाइनिंग का प्रोसेस में आपको काफी फर्क पड़ेगा, डिजाइनिंग का प्रोसेस में आप जितना सीखेंगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट भी जल्द से जल्द होगा। सो आई होप सो गाइस इस पूरा सेशन से आपने चीज सीखा होगा कि कॉपी वर्क एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जैसे आपको मैंने शेयर किया कि कॉपी वर्क के रिगार्डिंग एक पूरा डिटेल कोर्स करिकुलम हमने अलग से बना के रखा हुआ है, जो हमारा 90-day चैलेंज का कोर्स करिकुलम है उसमें कॉपी वर्क का बहुत सारा ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया हुआ है, जिसमें कॉपी वर्क का फोटो कॉपी आता है, स्कैन कॉपी आता है, फोटो कॉपी में ड्रॉइंग क्रिएटिंग प्रोसेस आते हैं, पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस आते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस लेना है वो पूरा प्रोसेस का मैंने डिटेल इसीलिए कोर्स करिकुलम बनाया गया। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में आएंगे तो आपको सारा चीज का नॉलेज मिलेगा, डिजाइनिंग का प्रोसेस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज आपको मिलेगा, ताकि उस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करके आप डिजाइनिंग को बहुत ही फास्ट एंड इजी तरीके से बना पाए, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ माय गाइस। तो इसीलिए पूरा कोर्स बनाया गया, अगर आप डेफिनेट ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं एंड डिजाइनिंग फील्ड में बहुत ही जल्दी से जल्द ग्रो कर सकते हैं। ओके सो इस पर्टिकुलर चैनल में जैसा आपको मैंने बताया, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कुछ फ्रेंड की जरूरत पड़े तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।